अब रही बात आप जो पूछ रहे हैं कि ज्ञानवापी मंदिर और मस्जिद का मुद्दा कैसे सुलझाया जाए, हमारे जो पूर्वज होते थे, सनातन धर्म की विशेषता है कि हमेशा इसने सत्य की ही खोज की है, जो चीज सत्य है उसको एक्सेप्ट किया, जो चीज असत्य है कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो उसको सनातन समाज ने, सनातन सिद्धांतों ने कभी जगह नहीं दी है। उसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं, रावण के अंदर 1000 अच्छाइयां थी लेकिन उसको सनातन सिद्धांत ने कभी मान्यता नहीं दी, कभी रावण की पूजा नहीं होती है कुछ बुराइयों के कारण। हमारे पूर्वज इतने बुद्धिमान थे कि पहले जब भी वो कोई चीज बनाते थे, भवन वगैरह, आपने देखा होगा अयोध्या में मंदिर का निर्माण चल रहा है तो टाइम कैप्सूल जमीन के अंदर डाला गया, अगल बगल और उस जगह वो ऐसी चीजें, ऐसे चिन्ह छोड़ते थे। उसके पर्पस दो होते थे, एक तो उस समय लोगों को शिक्षा दी जाए, बाद में आने वाली पीढ़ियों के लिए वो एक शिक्षा का केंद्र रहता था, किसने बनवाया, क्यों बनवाया, ये सारी चीजें होती थी। अब न्यायालय भी सत्य की खोज करेगा और सत्य की खोज बड़ी आसान है, ऑब्जर्वेशन चल रहा है। देखिए पहला स्टेप होता है कि आप ऑब्जर्वेशन करिए, सत्य क्या है, असत्य क्या है, जितनी चीजें मिल रही हैं हर चीज को आप इकट्ठा करिए। अब वहां पे ऑटोमेटिकली आपको ऐसी चीजें मिलेंगी जो सनातन धर्म में परिकल्पित हैं या उसकी निशानियां आप बोल सकते हैं, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब एक एग्जाम्पल देखिए, मेन जो मुद्दा चल रहा है वो है शिवलिंग का, शिवलिंग की फोटोएं आप वहां पे जो मिली है सब लोगों ने देखी है किस तरीके से है। पूरे इस्लामिक कल्चर में सऊदी अरब से लेके जितने देश हैं और अभी तक इतिहास में अगर आपने कहीं कोई पिक्चर देखी है तो फव्वारा या वजू करने की या कोई ऐसी कलाकृति दिखाइए जहां शिवलिंग हो और शिवलिंग के चारों तरफ घेरा हो। ये ज्यामिति स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो सनातन ज्यामिति में पाया जाता है, बहुत स्पेसिफिक जो स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे यज्ञ की वेदी त्रिकोण होती है उसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है। इसी तरीके से शिवलिंग को आप कहीं पे भी देखेंगे जहां शिवलिंग है, अगर आप द्वादश ज्योतिर्लिंग पे जाएंगे तो शिवलिंग के चारों तरफ एक घेरा होता ही होता है। मैं आपसे तो ये सारी चीजें बताती हैं कि जो कि सनातन धर्म की तरफ इशारा करती हैं।